ये है टोयोटा यारिस हैचबैक। वैसे तो ये गाड़ी है 3 सिलेंडर, लेकिन 3 सिलेंडर होने के बाद भी इतनी अच्छी है कि हमें अपने सिलेंडर याद आ गए इसको चलाने के बाद और इसको देखने के बाद। अभी बताता हूँ कैसे। अब सबसे पहले चीज इस गाड़ी का नाम, वैसे तो अलग अलग रीजन में यारिस को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अब वो पता नहीं क्या इस गाड़ी को मसला है कि इसको निक नेम की बड़ी आदत है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एक मशहूर गाड़ी वो है बेल्टा, उसी गाड़ी को। लेकिन अगर आप दुबई वगैरह में देखो तो उस गाड़ी को यारिस कहते हैं, बेल्टा नहीं कहते, बेल्टा पाकिस्तान में कहते हैं। उसी तरह से इस गाड़ी को यारिस यहाँ कहते हैं, लेकिन बाहर इससे पहले वाले मॉडल्स को और इस वाले मॉडल्स को विट्स कहते हैं। और अब पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में भी विट्स का जो नया मॉडल है उसको भी यारिस कहते हैं। और ये स्पेसिफिक गाड़ी मेरे पास खड़ी हुई है, इसको भी हम कह सकते हैं एक तरह से विट्स की सक्सेसर, या फिर कुछ लोग तो कहीं ऑन पेपर्स भी इसको एक तरह से विट्स का नया मॉडल ही कहा है। अब इस गाड़ी की सबसे मेन चीज बताओ, यानी कि इसका दिल, यानी कि इसका इंजन, तो ये है कि इस वाली स्पेसिफिक कार में है 1000 cc इंजन। और मजे की बात ये 3 सिलेंडर इंजन है, मतलब वो पुरानी गाड़ी है, पुरानी कल्टस में होता था ना कि 3 सिलेंडर गाड़ी है तो AC बंद करो गाड़ी भागेगी नहीं, और गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो तो AC बंद करो बैटरी डाउन हो रही है, ये वाले मसले इस पे दूर दूर तक नहीं रहेंगे क्योंकि सारी बातें टेक्नोलॉजी की। अभी मैं इस गाड़ी की ड्राइव लेके भी आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ, इसके इसके अंदर एक और वेरियंट भी आता है जो होता है 1500 हाइब्रिड, और उसके बाद एक आता है 1600 cc वो होता है यारिस GR। लेकिन वो 1600 cc नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो दुनिया का फास्टेस्ट 1600 cc में आता है। वो 1.6 इंजन होने के बाद भी इतना पावरफुल है कि वो अपने स्टॉक इंजन पे ही 260 तकरीबन हॉर्स पावर बनाता है अपने स्टॉक इंजन पे। लेकिन हाँ, वो GR की बात हो रही है, अभी जरा यारिस नॉर्मल वाली जी पैकेज की बात करते हैं तो थोड़ा वो कास्ट पे आ जाते हैं। ये वाली गाड़ी से जो 69 हॉर्स पावर बनाती है, जो एक 1000 cc और 3 सिलेंडर इंजन के हिसाब से काफी अच्छी है। यार अब देखो, गाड़ी आपने चलानी होती है अंदर से, और अंदर से अगर बंदे को फील ना आए ना तो एक तरह से देखो गाड़ी की भी फील नहीं आती, क्योंकि ज्यादातर क्योंकि मोस्टली बंदा गाड़ी के अंदर ही होता है, बाहर से तो बाहर के लोग ही देख रहे होते हैं, नजर लगा रहे होते हैं गाड़ी को। लेकिन आपने अंदर चलाना है तो उसके अच्छे इंटीरियर को एंजॉय करना होता है। अभी फिलहाल मैं अगर पर्सनली एक बात बताऊँ ना, तो अपनी लोकल यारिस से काफी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी, इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। और जो एक ब्लैक इंटीरियर के साथ अंदर तो बैठ के फील आती है ना, वो अलग ही आती है। मतलब गाड़ी पर मुंह से बोल रहे थे कि मैं इम्पोर्टेड हूँ, मैं लोकल गाड़ी नहीं तो पाकिस्तान में बनी हूँ। यानी कि अगर आप कभी इस गाड़ी को असल में बैठ के देखोगे ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इसकी अंदर की फील कैसी है। उसके अलावा एक मजे की बात बताऊँ, मुझे ये सुन के मुझे गालियाँ मत देना, लेकिन हाँ, इस 1000 cc 3 सिलेंडर गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। जब मैंने पहली बार ये चीज़ देखी थी तो मैंने ये बोला था कि यार ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें ये कोई AMG थोड़ी है। लेकिन हाँ, ये एक तरह से टोयोटा की अच्छी बात है कि उन्होंने बोला कि यार आप गाड़ी चलाते हुए मर वर नहीं जाओ, इसलिए हमने छोटे इंजन वाली गाड़ी में भी ट्रैक्शन कंट्रोल दे। ये तो आपने देख ही लिया कि ये 1000 cc गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, और वो क्यों है वो तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, वो मैंने अपनी राय बताई है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इसके अंदर लेन असिस्ट भी है इसके अंदर, पार्किंग सेंसर भी है अगले और पिछले। मतलब मेरे ख्याल से इस पैसों में, या मैं इसको अगर इस पैसों के अलावा भी अगर मैं इसको नॉर्मल यारिस से कंपेयर करूँ तो उसमें मेरे नहीं ख्याल ये चीजें आती हैं। और एक ड्राइव की बात करूँ तो जमीन आसमान का फर्क है। मतलब अगर आप गाड़ी कभी लेने जाओ तो आप एक दफा वोल्वो चलाना और एक दफा ये वाली चलाना, और दोनों गाड़ियाँ मजे की बात 19-20 पैसों में आती हैं, 19-20। बस कुछ कुछ हाँ देखो, जब एक चीज अच्छी होती है तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान या कुछ ना कुछ कॉन्स भी होते हैं, वो मैं अभी आगे भी बताऊंगा। उसके अलावा इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं, 8 एयरबैग्स भी है, मतलब ये गाड़ी मरने नहीं देगी आपको। एक चीज तो ये कि 1000 cc है, ये कोई 200-300 पर जाएगी नहीं AMG की तरह। लेकिन हाँ, अगर आप ले भी जाते हो, क्योंकि आप में कीड़ा तो होगा हमारी तरह, अगर आप ले भी जाते हो तो ये गाड़ी आपको मरने नहीं देगी, क्योंकि इसमें 8 एयरबैग्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह हैं, ये वाले फीचर्स हैं। उसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, लेन असिस्ट भी है, 3D व्यू मिरर भी है, यानी कि मतलब आप गाड़ी में बैठ के जो गाड़ी का मॉनिटर जो गाड़ी की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके अंदर आप गाड़ी को ऊपर से चारों तरफ से देख सकते हो गाड़ी के अंदर बैठ के। मतलब कैमरा जो गाड़ी का अपना होता है वो गाड़ी को चारों तरफ से दिखाएगा, मतलब आपकी गाड़ी कहीं पर फंसी हुई है तो उसको बड़ा आसान हो जाता है कहीं इधर उधर से निकालना। और उसके अलावा इसके अंदर ऑटो हेडलाइट्स भी है, एक तो वो खुद ही ऑटो हो जाती है, मतलब कि उसको कितनी रेस पे रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है। और एक ये भी होता है कि डे लाइट भी सेंस कर लेती है, मतलब अगर दिन है तो वो बंद हो जाएंगी और अगर रात है तो वो ऑटोमेटिकली चल जाएगी, ये गाड़ियों को खुद ही सेंस हो जाता है। उसके अलावा अभी भी मजा नहीं आया तो और भी मैंने फीचर्स काफी कैप्शन में लिखे हैं, वैसे काफी फीचर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। लेकिन हाँ, इसमें सेमी बकेट सीट्स भी हैं, अगर आपको कोई हग नहीं कर रहा तो वो इसकी सीटें आपको कर लेंगी पीछे से, क्योंकि इसमें सेमी बकेट सीट भी है और कंफर्ट लेवल भी उसका अच्छा है। अब जैसा मैं शुरू से बोले जा रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में कि ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, तो 3 सिलेंडर के हिसाब से ये मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि अंडर पावर हो। मैं 3 सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, मैं कोई इसको AMG से कंपेयर नहीं कर रहा, 3 सिलेंडर और ऊपर से 1000 cc, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये
कि मैं अभी इसको चला रहा हूँ और मुझे मुझे नहीं फील हो रहा है कि कहीं से ये अंडर पावर हो, क्योंकि इसका एक रीज़न ये टेक्नोलॉजी। और फॉर एग्जांपल एक आपको एक मिसाल देता हूँ, जो पुरानी वाली लैंड क्रूजर थी LC 200 वो थी V8, और जो उसके बाद वाली आई वो थी V6, लेकिन वो V6 है तो वैसे हल्का डाउनग्रेड, लेकिन वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो उसका यही रीज़न है सारी टेक्नोलॉजी की, मतलब ये 3 सिलेंडर होने के बाद भी इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है, यानी कि टोयोटा वालों ने दिमाग अच्छा चला लिया था अपना, तो ये गाड़ी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। और इसकी एक और अच्छी मिसाल दूँ कि वो ये कि पूरे पाकिस्तान में गाड़ी कामयाब भी हुई है, ऐसा नहीं कि ये गाड़ी फेल हो गई हो, किसी ने इतनी ना ली हो, इस तरह नहीं चला इस गाड़ी का सीन। और 3 सिलेंडर, तो उसकी AC की परफॉर्मेंस भी, जब मैं पहली बार बैठा ना इस गाड़ी में तो मुझे वैसे पर्सनली अच्छी लगी, मैंने सोचा नहीं था इतनी होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यार इतनी तारीफें सुनो नहीं, मतलब जब आप खुद से एक चीज़ को एक्सपीरियंस करो ना फिर जाके उसको देखा। अब मैंने खुद एक्सपीरियंस कर ली इस चीज़ को, फिर मुझे समझ आया कि नहीं यार गाड़ी में दम तो है। और एक तरह से ये भी नहीं कह सकते हम इसको कि गाड़ी पे अगर आप लोड वगैरह डाल दो तो गाड़ी की कोई परफॉर्मेंस डाउन होगी, इस तरह का नहीं है। जैसा मैंने बताया इसमें फीचर्स वगैरह अच्छे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये वो है, पता आप ट्रैक्शन कंट्रोल पर मजाक नहीं उड़ाना। देखो टोयोटा अपनी तरफ से अच्छी गाड़ी बना रहे हैं। अब हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और, इसके अंदर एडास के फीचर्स भी हैं। एडास के फीचर्स की एक चीज़ से एक शिकायत ये कि इसमें एडास तो है लेकिन इसमें क्रूज़ नहीं है, मतलब इस वाले वेरिएंट में क्रूज़ नहीं है, क्रूज़ इसमें आता है लेकिन वो फिर उसके भी ऊपर वाले में आता है। वैसे ये है जी पैकेज कहते हैं इसको, इससे पहले एक एक्स आता है और उससे पहले भी एक आता है, तो उसके अंदर भी क्रूज़ नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इस वाले में एडास है। जो इसके ऊपर एक आता है ना हाइब्रिड वाला, जो 1.5 होता है, 1500 cc होता है, असल होता है उसके अंदर, असल क्रूज़ कंट्रोल उसके अंदर होता है। अब ये मुझे नहीं पता है टोयोटा ने क्या सेंस बनाई कि एडास तो दे दिया गाड़ी के अंदर लेकिन उन्होंने क्रूज़ नहीं दिया। अब ये उन्हीं को पता होगा, तो कभी आप उनसे मिलो टोयोटा के, उनसे रोड पे घूमता फिरता हो तो उससे पूछ लेना कि भाई तूने एडास क्यों नहीं दिया गाड़ी के अंदर। अब हाँ, इसकी सबसे अच्छी बात जो इसके 1000 cc इंजन को लेके है वो इसकी फ्यूल एवरेज है, क्योंकि इस गाड़ी को बनाया है नॉर्मली कॉम्पैक्ट गाड़ी है, एक तो छोटी मोटी फैमिली यूज, छोटी मोटी बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि मैं आगे बताने वाला ना कि इसकी लेग स्पेस का मसला है, वो इसलिए छोटी मोटी इसको बोल रहा हूँ। बाकी इसकी अगर फ्यूल एवरेज की बात करूँ ना तो वो ऑलमोस्ट वैसे तो ये आपको 16-17 शो कराएगी, लेकिन 16-17 है नहीं, क्योंकि अब वही पहली बात तो बंदे के चलाने पे डिपेंड करता है, और वैसे भी ये गाड़ी नॉर्मल अगर आप चलाओ ना नॉर्मल बिल्कुल ही सिटी के अंदर तो ये तकरीबन 14 या 15 दे देगी, बहुत अगर आप तमीज चलाओगे तो। लेकिन हाँ, लॉन्ग पे अगर आप इस गाड़ी को चलाओ तो ये आपको 18 से ऊपर भी दे सकती है, इससे ऊपर भी दे सकती है 18 में, इसलिए एक रफ फिगर बता रहा हूँ, वैसे तो ये इसके ऊपर भी आराम से दे सकती है। अब भाई ये तो होगा नॉर्मल ओवरव्यू गाड़ी का। आप मैंने जैसे बोला था कि कुछ कोई अगर चीज़ अच्छी है तो उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो, तो उसके कोई ना कोई बुरी चीज़ें या कॉन्स भी होंगे। सबसे बड़ी चीज़ इस गाड़ी की वो ये, सबसे बड़ी चीज़ इस गाड़ी की पहली चीज़, क्योंकि ये है जैपनीज कार, ये लोकल नहीं है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का मसला एक तो वो हो गया, क्योंकि आप सिंध में अगर इस गाड़ी को चला तो ग्राउंड क्लियरेंस का मसला अच्छा खासा हो सकता है, और दो बंदा नॉर्मली इस गाड़ी को लेता है इतने पैसों में तो वो फैमिली कार ही लेता है। दूसरी चीज़, अगर आप इसको फैमिली कार ले रहे हो तो मत लेना इस तरह, क्योंकि इसमें फीसें भी बकेट सीट्स है, एक तो वो लॉन्ग पे इतनी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि लंबा बंदा भी वहाँ नहीं बैठ सकता। और सबसे गलत बात इस गाड़ी की वही है, ये गाड़ी तकरीबन 45 से शुरू होती है और 50 तक जाती है इस टाइम में ला रहा हूँ, और उतने पैसों में इसकी पिछली लेग स्पेस अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब हाँ सिटी में अगर आप चलाएंगे गाड़ी जिसे बैठते हैं लंबा बंदा भी बैठ जाएगा आराम से, कोई इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग पे लेके जाओगे ना फिर असल मसला होगा। वो दूसरी चीज़, कुछ कुछ शहरों में इसके पार्ट भी महंगे हैं, फॉर एग्जाम्पल हेडलाइट वगैरह या बैकलाइट वगैरह, बाकी जो नॉर्मल पार्ट्स है जैसे एयर इंटेक, फिल्टर, ये वो तो सारे इंटरचेंजेबल है ना, मतलब जैसे मैंने बताया था शुरू में कि रेड्स और बेल्ट फैन का रिलेशनशिप है थोड़ा सा रिलेशनशिप मतलब अच्छा वाला, तो इसलिए कुछ कुछ उनके पास इसमें भी लग जाते हैं, तो ये सही है। अब हाँ, ये रिव्यू देख लिया, अगर आपके संख्या मूड है गाड़ी लेने का तो एक दफ़ा गाड़ी चलाते देखना, खाली रिव्यू से कुछ नहीं होता।